यहां पर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एट अ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है एंड एट 0.1 सेकेंड। मतलब आपने जब पत्थर फेंका, आपने जब पत्थर फेंका वो तो था टी इक्वल टू जीरो, और अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि दादा ये बताओ ये बोट क्या ये ऊपर है या ये नीचे है एट अ सर्टन टाइम टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अरे हाँ जी, बात नहीं समझे, समझो सर। और अब देखिए एक और बात, अगर आप उसको पकड़ पाते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। किस पार्टिकल की, जिस पार्टिकल को मैंने बोट बोल दिया, आपको इस बोट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब आपको बोट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो जो बोट है वो 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे पड़ी हुई है। नहीं समझ में आया? समझा सर। बोट की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? ऊपर नीचे होने की वेलोसिटी। नहीं समझ रहा है? समझा सर। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोट की वेलोसिटी और जिस स्पीड से वेव राइट साइड में जा रही है, विच इज कैप्चर्ड बाय दिस। बाजी बात समझ आ रही है? यस सर। मिस्टर रेवन को डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इसी क्वेश्चन से निकालना समझ आ जाए। देखिए अगर आपको समझ आता है अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो थोड़ी और कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 sin π। पाई को मैं अंदर ले लेता हूं दादा, ये 1/0.002 लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 200 है इसको ऊपर ले लेता हूं और इसको 50 लिख सकता हूं। भाई रिहान समझ आया या कंफ्यूज हो गया? माइनस पाई को अंदर ले लिया सर, एक्स 75। यहां तो कंफर्टेबल है सर, डर तो लगेगा? नो सर। ये जो इक्वेशन है वाई साइन 50 πt माइनस पाई बाई 75 एक्स, सर डर तो लग रहा? ठीक है, कंफर्टेबल है सब? अब सर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किस पॉइंट पे, 50 सेंटीमीटर पे, और टाइम क्या हो सकता है 0.1 सेकेंड। तो जैसे आपने मुझे पहले बताया था वही मैं कर रहा हूँ सर। यहां मैं साइन पे ये 50 पाई है, ये जो टाइम है ये मैं डाल रहा हूँ 0.1 माइनस पाई बाय 75 और एक्स की वैल्यू डाल दूंगा 50 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे, देखिए रियान फिर से जरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये मेरी, अगर ये मेरे पानी की अगर मीन पोजीशन है तो क्या वो बोट उस टाइम ऊपर है या वो बोट उस टाइम नीचे है? आपको मेरी कंसेप्ट समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ उसे? यस यस। तो अगर तो पॉजिटिव रहा होगा, अगर तो पॉजिटिव रहा होगा तो बोट ऊपर होगी, और अगर नेगेटिव रहा होगा तो बोट नीचे होगी। अब आज ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा? ठीक कह रहा सर। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, वो सब ताजा करते रहिए, उसकी वो सब मैं डिटेल नहीं जा रहा। ओके, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ निकाली जाए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकाली जाए। और उसमें भी थोड़ी बात समझिए सर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब आप निकाल रहे हैं तो आप इस पोजिशन की बात कर रहे हैं जिसपे आपका जो बोट है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। राम जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर। अगर आप उस एक्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उस सर्टन एक्स की बात कर रहे हैं
दैट मीन्स वो जो एक्स है वो कांस्टेंट हो जाता है. सर बात नहीं समझ आई बिल्कुल? नहीं सर, कांस्टेंट कैसा होता है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे मान लीजिए सर कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप स्टडीज कितनी करते हैं और अब तो यही सब फैला हुआ है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोरोना की कौन सी वेव चल रही है. अरे हाँ जी, समझ आया जी सर. अरे भैया, अगर कोरोना ज्यादा चल रहा होगा तो एग्जाम ही नहीं होंगे, तो मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे? तब तो ग्रेड देके पास कर देंगे. अगर कोरोना ठीक चल रहा होगा, मतलब कोरोना नहीं चल रहा होगा, तो आपके एग्जाम हो जाएंगे. अरे हम समझ आए जी सर. अरे अजय कर लीजिए यार, आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर है ना, 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना, फाइनल होंगे. तो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है और डिपेंड करेगा कि कोरोना की कौन सी वेव चल रही है. आबादी ठीक कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ठीक कह रहे. तो आपके जो मार्क्स हैं जो आप स्कोर करोगे 2012 में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, स्टडीज पे और कोरोना की वेव पे. रेवा जी बात पकड़ में आई? यस. ओके, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना है नेक्स्ट ईयर तक, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नेक्स्ट ईयर तक जो कोरोना है वो खत्म हो जाएगा. मेरी बात समझ आई? 2012 तक कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा. रेवा जी समझ आया? जी सर. तो आपके मार्क्स किस पे डिपेंड करेंगे? पढ़ाई पर. पढ़ाई पे? नहीं समझ रहा. मेरी बात समझ में? जी सर. देखिए, फिर से समझिए मैं क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो मार्क्स थे वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे, दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे. मैंने आपको ये बोल दिया कि सर एक जो फैक्टर है उसका आपकी पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ने वाला. जब उसका फैक्टर का आपकी पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैथ्स में आप उसको बोल देते हो कि ये जो फैक्टर है, अब ये वेरिएबल नहीं है, ये जो है ये वेरिएबल नहीं है, अब ये क्या हो गया? कॉन्स्टेंट. नहीं समझ में आया? समझो सर. भाई फिर से देख लीजिए, आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे थे स्टडीज पे, कोरोना पे. कोरोना पे क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर कोरोना का समझ नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, कौन सी स्टेज है, स्टेज के बीच में हो गए. अगर सब कुछ ठीक होगा, लेट अस अज्यूम नेक्स्ट ईयर तक आप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेव हो, तो उस टाइम सब कुछ ठीक चल रहा है. जैसे 2 महीने पहले सब कुछ ठीक था, अभी सडनली हाई था, सब शुरू हो गई है. तो कोरोना जो है हमारे लिए वेरिएबल है, अभी वेरिएबल है. बट लेट अस अज्यूम कि हमें ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि 2012 में कोरोना जो है वो वेरिएबल नहीं रहेगा. वेरिएबल इट वोंट बी अ वेरिएबल फैक्टर, इट विल बिकम कांस्टेंट, कि इसका कोई फर्क नहीं होने वाला. रेवन बात समझ आई? जी सर. अब ये जो कंसेप्ट हमने सीखा कि अगर अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब फिर से देखिए सर, ये पोजीशन ऑफ द जो पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है, जो कि वाई से डिफाइन किया जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस एक्स पे, और डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे हैं, T1 पे हैं या T2 पे हैं या T3 पे हैं या T4 पे हैं. सर बात समझ आ रही? नहीं आ रही? जी सर. अब मैं आपको बोलता हूँ कि मिस्टर रेवन, आप ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इससे फोकस मत कीजिए. प्लीज फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ ये वाला जो एक्स है सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए. रेवन जी बात समझ आई? Yes. अगर आप इसी एक्स पे फोकस करेंगे और ये सारे एक्स मैटर ही नहीं करते, तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन पे ही है. नहीं समझ में आया सर? समझा सर. और क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर पर ही है, तो इसलिए 50 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल पड़ा हुआ है, अगर आप उसे पूछेंगे कि भाई जो तू ऊपर नीचे मूव कर रहा है
तेरे ऊपर नीचे मूव करने की इक्वेशन क्या है, तो बोलेगा मेरे ऊपर नीचे मूव करने की इक्वेशन ये है। नहीं समझ में आया मिस्टर रेयन? समझा सर। अब उसके ऊपर नीचे होने की जो इक्वेशन है उसमें 50 सेंटीमीटर जैसे ही आपने डाला, तो इसके ऊपर नीचे होने की, ऊपर नीचे होने का फंक्शन जो है अब वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स जो है वो वेरिएबल से कांस्टेंट बन चुका है। अभी भी बात पकड़ में नहीं आई सर? समझा सर। अब आप उस स्पेसिफिक एक्स जो कि 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। नहीं समझ में आया? समझा जी? समझ में नहीं आया? समझा सर। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको एक फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो इक्वेशन है देखिए, ये मेरा पानी, ये मेरी बोट, ये बोट ऊपर नीचे हो रही है, ये बोट की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर तो फिक्स्ड ही है। तो ये जो बोट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, ये डिपेंड करती है सिर्फ टाइम पे जो कि ये है, और इसके ऊपर नीचे होने का, ये जो ऊपर नीचे हो रही है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वो सिंपल हार्मोनिक की मोशन ये है। अब्बा जी आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर ईच पार्टिकल, अब्बा जी आपको समझना जरूरी है, ये जो ट्रेवलिंग वेव जब इस साइड जाती है तो ईच पार्टिकल जो कि ट्रेवलिंग वेव पे है वो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो SHM कर रहा है। अब्बा जी समझ नहीं आया? और ये स्पेसिफिक पार्टिकल जो कि 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, इसकी SHM की इक्वेशन ये है। मिस्टर रेयन कुछ समझा? मिस्टर रेयन कुछ समझा? समझा सर। क्योंकि इसका 50 सेंटीमीटर आपने जो x था इस इक्वेशन में वेरिएबल था, यहां पर तो उसको आपने कांस्टेंट बना दिया। अब बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं, अब फिर से मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, ज्यादा नहीं, पुराने वंडे हैं जो मैकेनिक्स में आपने किए थे, मुझे याद नहीं है, सॉरी मुझे पता नहीं है आपको याद है या नहीं यार, हजारों साल पहले हमने एक इक्वेशन, हमने बोला था कि अगर एक पार्टिकल की मोशन दी जाती है ऐसे 4t² से, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी dy/dt is equal to t/dt is equal to 4t². अरे हाँ जी, दिमाग की बत्ती चली या नहीं? जी सर समझा गया। अब आज ही समझ आया नहीं यार? समझा यार। अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जिसकी की मोशन इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर इससे दी जाती है, तो dy/dt जो है वो उसका वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी होगा। यस। तो अब वो जो पार्टिकल है, अभी आपने जो बोला जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी SHM की इक्वेशन, जिसकी मोशन की इक्वेशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो अगर आप इससे देते हैं, तो बाजी देखिए आपको समझ आया या नहीं आया? तो अब इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन बाय dy/dt। नहीं समझ में आया मिस्टर अब्बास? अब सर फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलस आती है। रेयन जी शायद आपको कैलकुलस में थोड़ी तकलीफ हो, आप मैनेज कीजिए, नहीं भी समझ आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब्बास जी आप देखिए आपको समझ आता है नहीं आता? 50/t - 2π/3 सर, ओमेगा पहले भी आएगा ना इसके, ओमेगा भी बाहर आएगा ना पहले, इनटू एक, दादा एक सेकंड, इनटू
50 पाई। हाँ बोली, हाँ नहीं सो ओमेगा का पूछा था बस, वो ओमेगा पहले आना चाहिए। हाँ नहीं मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि पहले मैं साइन का डिफरेंशियल किया ना, साइन का डिफरेंशियल किया कॉस, तो पहले तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने जो उस ब्रैकेट के अंदर था उसका डिफरेंशियल फिर बाद में किया, क्योंकि मुझे इस तरह इजी लगता है कि पहले मैंने साइन का डिफरेंशियल कर दिया, मुझे समझ आ गया, उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट पे हमला करूंगा। तो फाइनली प्रियम जी शायद आपको यहाँ परेशानी आए, तो शांति रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझा दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 50 पाई जो है वो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 200 पाई बन जाएगा, और कॉस 50 पाई टी माइनस 2 पाई बाय 3, और फिर इसके अंदर आप टाइम डाल दीजिए 0.1 सेकंड, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। अम्मा जी आपको समझ आया नहीं है? Yes. जी आपके लिए शायद ये वाला जो पार्ट है ये कंफ्यूजिंग हो गया, ये शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, अगर आप समझना चाहते हैं। मैं एक और इजी एग्जांपल लेता हूं, देखिए इससे अगर आपको समझ आता है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है साइन 5t+7, समझ आया? यस। अरे जी इसका जब मुझे डिफरेंशियल करना होता है ना, तो मैं कैसे करता हूँ, पहले तो मैं साइन का डिफरेंशियल करता हूँ। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैं हाथ नहीं निकालता, वो ऐसे का ऐसा रहता। जब मैंने एक बार ये कर लिया, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर सामान पड़ा है उसका मैं डिफरेंशियल करता हूँ। उसका डिफरेंशियल करूंगा तो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 7 जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। अरे जी कुछ समझ आया या नहीं? अभी भी नहीं आया सर। 5 कैसा है वो नहीं समझा था। 5 कैसे है वो नहीं समझा। ओके यहां तक समझ आ गया जी सर। सर ये जो है ना, ये शायद आप 12th में करने वाले हैं, अभी कैलकुलस में करेंगे। दीज आर, इनको मैं बोलता हूँ सर, इनको किताब में नहीं लिखा कहीं पर, इनको बोलते हैं प्रेग्नेंट फंक्शंस। प्रेग्नेंट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फंक्शन तो ये साइन है, अब ये साइन का जो टमी है उसके अंदर एक और फंक्शन है। मेरी बातें समझ आई? समझा सर। साइन इज अ फंक्शन, उस फंक्शन की टमी में एक और फंक्शन है, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ प्रेग्नेंट फंक्शन। तो प्रेग्नेंट फंक्शन को कैसे किया जाता है, डिफरेंशियल कैसे किया जाता है? पहले तो मॉमी का डिफरेंशियल किया जाता है और फिर बेबी का डिफरेंशियल किया जाता है। आप अभी करेंगे 12th को। अरे हम समझ आए जी सर। तो मॉमी का डिफरेंशियल है, मॉमी तो ये साइन, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, और फिर बेबी का, बेबी क्या है ये 5t+7। 5t+7 का अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये 5t है, इसका डिफरेंशियल हो गया 5, ये 7 है, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो बेसिकली जो बेबी है उसका डिफरेंशियल सिर्फ 5 है, सो दिस गेस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5। प्रियम जी थोड़ा समझा? जी सर समझा। अम्मा जी आपको तो समझ आ गया होगा? यस। ये प्रेग्नेंट फंक्शंस किए हैं हमने। यस समझ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकाली जाती है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब आप निकालते हैं तो जो x है उसको आप बना देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल ऊपर नीचे जो हो रहा है वो SHM में हो रहा है। और वो क्यों SHM में हो रहा है? क्योंकि ये जो भी हम इक्वेशंस ले रहे हैं, जितनी इक्वेशंस ले रहे हैं वो सारी सिंपल हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव्स है। बाजी समझ नहीं आया? बाजी ट्रेवलिंग वेव तो ये भी है ना, ये देखिए
एक ट्रैवलिंग वेव वैसे जा रही है, इस साइड जा रही है, नहीं समझ में आ रहा। हम जो इक्वेशन ले रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव, मतलब हम जो ले रहे हैं वो ऐसी शेप वाली वेव ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। सर और कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट सर। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको, मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा, इनके सबके सॉल्यूशंस आए हुए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको तसल्ली से करने चाहिए वीकेंड पे। अरे जी समझ आ रहा जी सर। ये दो तीन बच्चों के मेरे पास पीडीएफ आए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, इन सबने सॉल्यूशन किए हुए, आई थिंक सबने ठीक किया हुआ, एक्सपीरियंस हो गया। कोई डाउट है सर? तो ये जैसे आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये देखिए, amplitude of a wave is represented by